हेलो स्टूडेंट्स दिस इज क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन डिटरमाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ एक्स प्लस वन फैक्टर सम ऑफ़ द पार्ट्स आर गिवन टू अस ठीक है इसमें हमें बताना है कि एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट प एक्स प्लस वन दिस इज द क्वेश्चन ठीक है इसको हम लेट कर लेंगे लेट वेरिएबल एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अब स्टूडेंट्स इसमें हमें बताना है कि एक्स प्लस वन इस गिवन पॉरिनोमियल का फैक्टर है या नहीं सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि x प्लस वन का जीरो क्या होगा x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो x विल भी इक्वल टू माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स मतलब x प्लस वन का जीरो क्या है माइनस वन जीरो का मतलब यही होता है जो मैंने सॉल्व किया है कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x की क्या वैल्यू पे गिवन पॉइनोम रिमाइंडर जीरो आए अब यहां पर एक्स की जगह हमें इस इक्वेशन में माइनस वन पुट करना है एंड वी विल सॉल्व अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करके जीरो आता है तो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा वरना नहीं होगा चलिए देखते हैं तो पी एट द प्लेस ऑफ एक्स हैव टू यूज माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा तो इट विल बी प्लस वन ये माइनस वन ये प्लस वन स्टूडेंट्स माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा याला माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा व्हाट इज लेफ्ट जीरो और जीरो है इसका मतलब हमारे फैक्टर थ्योरम से यहां पे वी कैन राइट डाउन बाय फैक्टर थोरम वी कैन से दैट एक्स प्लस वन इज अटर ऑफ गिवन पॉलिम सो दिस पार्ट बहुत ईजी है स्टूडेंट एक बार फिर से आपको मैं रिकेप्च कर दू करा क्या हमने एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं जीरो निकाला जीरो निकालने के बाद जो एक्स की वैल्यू आई उसको पोट करके अगर आंसर जीरो आ रहा है मीन फैक्टर है अदरवाइज नहीं सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट एक्स प्लस वन सेम है बस पॉइनल चेंज हो जाएगा यहां पे सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसको भी सेम करेंगे हम इसे लेट कर लेते हैं मैंने लेट कर लिया इस बार सो वी कैन राइट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अब स्टूडेंट सबसे पहले हम फैक्टर का जीरो निकालेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू माइनस वन अब स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मतलब इसको हमें पुट करना है इक्वेशन में पी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन की पावर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन ये वन हो जाएगा ये माइनस वन हो जाएगा ये फिर से वन हो जाएगा ये माइनस वन और ये वन अब देखो वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो स्टूडेंट्स इसमें बच गया वन पिछले वाले में हमारा ज़ीरो आया था इसमें हमारा वन आया वन आने का मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आया दैट मीन्स x plus 1 is not a factor is not a factor of px we are given polynomial this is second part let us move to the third part students third part iska. x key power 4 एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसको पी एक्स मान लेते हैं पॉइंट नॉर्मेल इन द वेरिएबल एक्स जीरो निकालते हैं अपने गिवन फैक्टर का एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन ये तो कॉमन रहेगा चारों पार्ट में पुट करेंगे पी माइनस वन इज इक्वल टू पी माइनस वन इज इक्वल टू इसमें पुट करते हैं दैट विल बी थ्री एक्स की जगह माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन जीरो आ गया हमारा आंसर अब स्टूडेंट्स यहां पे जीरो आने का क्या मतलब है एक मिनट चेक कर लेते हैं एक्स की पावर फोर भी था स्टार्टिंग में जस्ट मिनट एक्स की पावर फोर भी है यहां पे तो एक्स की पावर फोर मतलब माइनस वन की पावर फोर आएगा बीच में माइनस वन की फोर का आने का मतलब है वन ठीक है और स्टूडेंट्स आंसर रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ, आंसर जीरो की जगह वन आएगा क्वल टू जीरो जीरो नहीं आया और जीरो नहीं आया तो हम फैक्टर थियोरम से कह सकते हैं दैट एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनो दिस इज द थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट कर लेते स्टूडेंट्स फोर्थ वन फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू अब स्टूडेंट्स यहां पे इसे लेट कर लेते हैं फिर से सेम चीज पी एक्स इन द वेरिएबल एक्स और हम निकालेंगे एक्स प्लस वन का जीरो दैट विल बी माइनस वन नाउ इज़ क्वल टू माइनस वन इसमें पुट करते हैं वापस आइए सो पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स की जगह माइनस वन प्लस रूट टू स्टूडेंट्स यहां पे सॉल्व करते हैं माइनस वन का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस टू प्लस रूट टू ऐसे रहेगा और प्लस रूट टू हमारा ऐसे रहेगा अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है सॉल्व करना है तो देखो माइनस वन माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू ठीक है इसको हम लिख लेते हैं माइनस टू प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू तो माइनस टू प्लस टू कैंसल और रूट टू प्लस रूट टू विल बी इक्वल टू 2 root 2 that is unequal to 0. So, last say last name students, by factor theorem we can say that x plus 1 is not a factor of given polynomial. So, this was students our question number 1 of exercise 2.4. Thank you.